मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम नई कविता के जाने माने सुप्रसिद्ध कवि श्री लीलाधर जगुड़ी जी द्वारा रचित कविता स्वतंत्र जुबान का अध्ययन करते हैं। यह कविता कवि के भावों को, विचारों को इस प्रकार प्रकट कर रही है कि समाज की एक अत्यंत विचारशील विचारधारा का उद्घाटन करती है। यहां कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उसकी अपनी एक स्वतंत्र वाणी है, अर्थात वो स्वतंत्रता पूर्वक बोलने के लिए अधिकार रखता है, मगर वह बोल नहीं पाता क्योंकि उसके व्यवहार और कार्यों में, अर्थात कथनी और करनी में, जमीन आसमान का अंतर होता है। इस कारण वह अपनी वाणी को दबा कर रखता है और सत्य बोलने से डरता है, क्योंकि उसे मालूम है कि यदि वह सत्य बोलेगा तो इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई ना कोई झंझट, कोई मुश्किल, कोई परेशानी उसके लिए खड़ी हो जानी है। हम इस सत्य को जानते हैं और कहा भी गया है, ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर, सत्य हमेशा चुभता है, और इसी चुभन से दूसरों को बचाने के लिए और प्रतिक्रिया स्वरूप अपने लिए निर्मित होने वाले कष्ट से खुद को बचाने के लिए व्यक्ति वाणी तो रखता है, मगर न वो स्वतंत्र है और न वो सत्य बोलने की ताकत रखती है। कवि यह बात भी स्वीकार करते हैं कि जब जब व्यक्ति झूठ बोलता है, उसकी आत्मा उसे कचोटती है, उसका मन उसे प्रतिपल चिंतित रखता है, बार बार उसकी अंतर आत्मा उसे सत्य बोलने के लिए प्रेरित करती है, मगर आदमी ऐसा नहीं करता। मैं और एक आदमी हमेशा साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के प्रति मित्रता के भाव का प्रदर्शन करते थे, लेकिन हृदय में वो मैत्री भाव नहीं था। इसीलिए एक दूसरे की हम जासूसी करते रहते थे ताकि हम राज होने के कारण वह मेरे किसी राज को खोल ना दे और मैं उसके राज को कहीं कह ना दूं। इसलिए एक दिन ऐसा हुआ कि कवि के सारे अपराध, सारे दोष, क्योंकि वह आदमी जानता था, धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश कर गए, उसके शरीर में जाकर बस गए, अर्थात साझीदार होने के कारण उन दोषों को उसने भी अपने लिए स्वीकार कर लिया, और वह कभी भी कवि की कायरता को या कवि के दोषों का उल्लेख नहीं करता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कवि मुकर ना जाए, अर्थात कोई उसी पर यह प्रश्न न उठा दे कि यदि उसे सारे दोषों का पता था तो वह चुप क्यों था, उनका साझेदार वह भी है। यदि उसने चुप्पी को धारण किया है तो निश्चय ही वो इन अपराध और इन पाप दोनों का बराबर का हिस्सेदार है। एक बार वह व्यक्ति कवि से इन विषयों में बात भी करना चाहता है, परंतु उसकी वाणी उसका साथ नहीं देती और वह अपने मन के डर के कारण सत्य नहीं बोल पाता और जानबूझकर उन सब विषयों से अनजान बन जाता है, क्योंकि अगर वह प्रश्न करता है तो स्वयं भी उन सब मामलों में दोषी पाता है। जब उस व्यक्ति के समक्ष अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं तो वह, अर्थात उसकी अंतरात्मा,
उसे सत्य बोलने के लिए प्रेरित करती है, मगर वह कोई उत्तर उनका नहीं देता है। जब कवि भी उसकी जासूसी करने लगा तो उस व्यक्ति ने एक रात उठकर चुपचाप अपने मन के सारे प्रश्नों को लोगों के कानों तक पहुंचा दिया। परंतु समाज के लोग तो पहले ही अनेक सवालों से इस प्रकार घिरे थे कि वो उन्हें अच्छी प्रकार सुन और समझ नहीं पाए। फिर भी लोगों ने मन ही मन विचार करते हुए उन प्रश्नों पर फुसफुसाहट शुरू कर दी और धीरे धीरे वह सारे सवाल पूरे नगर के सवाल बन गए, जिसके कारण चारों ओर इन अफवाहों के कारण चारों ओर संदेह और शंका का वातावरण तैयार हो गया। उस व्यक्ति ने स्वयं यह महसूस किया कि इन सवालों के कारण वह और कवि दोनों बेचैन हैं। इसलिए वह व्यक्ति चुपचाप उठा, मगर वह व्यक्ति चुप रहा क्योंकि उसे डर था कि कहीं इस घटना का सारा आरोप उसके ऊपर ना आ जाए। पहले से ही अनेक ऐसे विषय और कारण थे जिसके कारण उसकी आवाज दबी हुई थी, अर्थात सत्य कहने से डरती थी। कवि सोचता है कि हर व्यक्ति के पास उसकी एक स्वतंत्र वाणी होनी चाहिए, ताकि वह निर्भीक होकर अपनी बात सबको कह सके। फिर कवि की आत्मा स्वयं उसे उत्तर देती है कि व्यक्ति स्वतंत्र जुबान लाए तो कहां से लाए, क्योंकि इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा या अधिक दोषी अवश्य है। सभी जुबानें कहीं ना कहीं दबी हुई हैं। इसलिए कवि ने और कवि के उस साथी आदमी ने कभी भी स्वतंत्र जुबान के लिए प्रयास नहीं किया। उस आदमी ने अपना काम निकालने के लिए एक जानवर अर्थात बैल की जुबान को चुन लिया। इस जुबान के द्वारा वह अनेक लोगों को हानि पहुंचाकर बैल की भांति सब तहस नहस कर देना चाहता था, सब मिटा देना चाहता, अर्थात वह अपने सब विरोधियों को सींग पर उठाकर हवा में उछालना चाहता था, उन्हें खाइयों में गिराना चाहता था, उन्हें अड़ंगा डालकर यानी पांव अड़ाकर मारना चाहता था, गिराना चाहता था। और वह अनेकों के सामने गंदगी फैलाना चाहता था, ताकि वह समाज को अपनी अंतर आत्मा को महसूस होने वाली बुराई का परिचय दे सके। और वह जानवर की भांति अपनी जीभ से चारों ओर जो संदेह और शंका का वातावरण उसने बनाया था उसे वो चाट जाना चाहता था, परंतु वह कुछ नहीं कर पाया। कवि ने अनुभव किया कि उसने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अर्थात स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने के लिए जानवर की जुबान तो लगा ली है, लेकिन वो जुबान भी उसका साथ नहीं दे रही है, वो भी सड़ी हुई है, अर्थात उसमें भी अनेक दुर्भाव हैं, दोष हैं, और वह अच्छाई की बजाय बुराई फैलाने लगी। और इस प्रकार उस व्यक्ति को और कवि को प्रश्नों की इस धुंध ने व्याकुल कर दिया, बेचैन कर दिया। इसलिए नए सवाल जो उन सवालों से निकलकर आ रहे थे, उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि या तो अपनी जुबान को बदल ले, अथवा इस गंदी जुबान को, इन दुर्भावों को अपने तक ही सीमित रखे। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा
कि इस व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर है। इसके पास विश्वास करने लायक सत्य से भरी हुई वाणी ही नहीं है। अर्थात समाज के लोग कहने लगे कि यह दूषित मनोवृत्ति के कारण यहां वहां मुंह मारता फिरता है, अर्थात अनावश्यक रूप से दूसरों की जासूसी करता है और सच्ची झूठी बातों को यहां वहां फैलाता है, अफवाहों को जन्म देता है। अतः वह व्यक्ति चाहकर भी सच नहीं कह पाया, सही तथ्य नहीं रख पाया, क्योंकि अगर ऐसा वो करता तो खामखा किसी न किसी समस्या से घिर जाना था। एक दिन वह व्यक्ति कवि के पास आकर कहने लगा कि लगता है आजकल समाज में सब सच बोलना बंद कर चुके हैं, क्योंकि सत्य अनेक मुसीबतों का निमंत्रण बन जाता है। अब प्रश्न यह है कि आज हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारी सत्य से भरी असली जुबान कहाँ खो गई है। इसलिए कवि उसे समझाते हुए बोले कि आज सन 1974 है और 1947 में भी कोई अंतर नहीं था। अर्थात यहां कवि राजनीति पर करारा व्यंग कर रहे हैं कि जिस समय देश स्वतंत्र हुआ तो देश की स्थिति और राजतंत्र उस समय भी विषमता से भरे हुए थे, और आज जब 47-74 बन चुका है तो भी स्थितियां ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। बस फर्क इतना आया है कि 47 में 4 बाईं ओर और 7 दाईं ओर था, और अब 7 बाईं ओर और 4 दाईं ओर है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि सत्ता किसी भी पार्टी के हाथ में रहे, राजनेता कोई भी हो, स्वतंत्र और असली जुबान पर हमेशा ताला जड़ देती है। अर्थात संविधान से स्वतंत्रता प्राप्त होने पर भी सत्य बोलने की इजाजत किसी को नहीं है। यहां कवि यह बताना चाहते हैं कि अब हम यह देखें कि कहीं ये दबी हुई जबान हमारी ही तो नहीं है। यदि यही सत्य है, यह बात अच्छी प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि हमारे पास इस दबी जुबान के साथ जीने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और समाधान नहीं है। तो आइए साथियों, कवि की इस कविता में उठाई गई इस सामाजिक और राजनीतिक विसंगति को कविता के पदों के माध्यम से समझें और सत्य के साथ खड़े होने की हिम्मत जुटाएं। पद संख्या 10, जुबान की आजादी के लिए न मैं लड़ा न वो लड़ा, मगर उससे रहा नहीं गया, उसने अपने काम के लिए जानवर की जुबान चुनी और जानवरों में भी बैल की, जो उसके सबसे ज्यादा करीब था। प्रसंग प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित। नई कविता के जाने माने सुप्रसिद्ध कवि श्री लीलाधर जगोड़ी जी द्वारा रचित स्वतंत्र जुबान नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ यहां कविवर मानव की मनस्थिति, जो उसकी कथनी और करनी में अंतर होने के कारण उत्पन्न होती है, उसका बड़ा यथार्थ चित्रण उन्होंने किया है। और वो बताते हैं कि इस संसार में यथार्थ और आदर्श में जमीन आसमान का अंतर है। यथार्थ स्वरूप यदि हम इस समाज में देखें, लोकतांत्रिक प्रणाली में देखें, तो यहां हजारों जुबान दबी पड़ी है। अर्थात जो स्वतंत्र जुबान के मालिक कहे जाते हैं वो भी स्वतंत्रता पूर्वक सच्चाई से अपनी बात नहीं रख पाते हैं।
कवि इसी की चर्चा करते हुए लिखते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार। जुबान की आजादी के लिए न मैं लड़ा न वो लड़ा। यहां कवि पर बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति ने यह प्रश्न किया कि आखिर स्वतंत्र जुबान आदमी कहां से लाए, तो इस प्रश्न ने कवि को बड़ी उलझन में डाल दिया। वह इस प्रश्न पर बहुत गहराई से चिंतन करने लगा और आखिर वहां तक पहुंच गया जहां उसने पाया कि उसकी ही नहीं, अन्य हजारों की भी जुबान उसी की भांति दबी हुई है, अर्थात सत्य कहने की शक्ति और ताकत नहीं रखती है। कवि का मित्र भी इस प्रश्न में उलझे उलझे वहां तक पहुंच गया जहां कवि पहले ही जा चुका था, और वह और कवि दोनों यथार्थ से भागने लगे। कवि उसी की चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि जुबान की आजादी के लिए न मैं लड़ा न वो लड़ा, कि जब देखा कि समाज में अनेक जुबान दबी हुई हैं, तो हमने भी स्वतंत्र जुबान का विचार छोड़ दिया और स्थिति को जो कि तो समय पर वातावरण पर छोड़कर हम अपने आप की सुरक्षा और बचाव का प्रयास करने लगे। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि हम दोनों ही सत्य बोलकर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते थे। मैंने तो आखिरकार अपनी जुबान दबा ली और सत्य से लड़ता हुआ चुप रहा, मगर उससे रहा नहीं गया। परंतु वह आदमी चुप नहीं रह सका, उसने अपने काम के लिए जानवर की जुबान चुनी कि अब वह अपने मन की इस उथल पुथल से, इस कश्मकश से, इस उलझन से निकलना चाहता था, इसलिए वह अपने पेट और हृदय में जमा सत्य जिसे वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था, उसे उगलने के लिए, उसे कहने के लिए आखिर उसने एक जानवर की जुबान चुन ली, और जानवरों में भी बैल की, कि बहुत प्रयास करने के बाद उसने जानवरों में भी बैल की जुबान को चुना, अर्थात बैल की भांति वह भी दबंग होकर दबंगाइयों का अथवा सत्ताधारी वर्ग का उसी प्रकार सामना कर सके। यह जुबान इसलिए चुनी क्योंकि बैल उसके सबसे निकट था। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि कवि के मित्र का स्वभाव भी लगभग बैल की भांति ही तहस नहस कर देने वाला, सब कुछ मिटा देने वाला था। ये बच्चों, हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ कवि पर लीलाधर जगुड़ी जी, जब एक प्रश्न कि स्वतंत्र जुबान आदमी कहाँ से लाए का चिंतन करते करते उस गहराई तक पहुँच गए जहाँ उन्हें अनेक दबी हुई जुबानों को देखने का सुअवसर मिला। सौभाग्य से जब कवि का मित्र भी इस प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते उसी गहराई तक पहुंच गया जहां कवि पहले ही जा चुका था, तो दोनों वहां से भाग खड़े। कवि इसी घटना का, इसी स्थिति का वर्णन करते हुए लिखते हैं, अब जुबान की आजादी के लिए न मैंने संघर्ष किया और न उसने किया, अर्थात हम दोनों भी अपनी अपनी जुबान दबाकर सत्य को छिपाई रखना चाहते थे। मैंने तो जैसे तैसे अपने मन की इस उथल पुथल उलझन पर काबू पा लिया, उसे दबा लिया, मगर वह आदमी इस उलझन को दबा नहीं पाया और उसके पेट में और हृदय में जो सत्य जमा थी वह उन्हें उद्घाटन करने के लिए बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया, विवश हो गया। अतः वह जब अपने मन की इस घुटन को दबा नहीं पाया,
तो उसने अपने मन के भावों को रखने के लिए जानवर की जुबान चुन ली और उसने वह जानवर भी बैल चुना जो उसके सबसे करीब था। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि कवि के मित्र का स्वभाव भी लगभग बैल के जैसा था। वह बैल सत्ताधारी वर्ग के उस दबंग वर्ग का सामना करने की उसी दबंगता से क्षमता रखता था जिस दबंगता से सत्य को छिपाए रखने के लिए बल और शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि अपनी कही गई बात से खुद को बचाने के लिए पशु तक बनने के लिए तैयार हो गया, अर्थात उसने उसके लिए पशुता स्वीकार कर ली। सरल सहज साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। लक्षणा परक व्यंजना शब्द शक्ति है। वीर रस ओज गुण है। मुक्तक छंद गेय शैली है। यहाँ अनुप्रास, स्वभावोक्ति कारण आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 11, क्योंकि वह कईयों को चरना चाहता था, कई सवालों से बैलवानी करना चाहता था, कईयों के नीचे से छुड़ाकर जमीन, कईयों को गिराकर खंदकों में, कईयों को उठाना चाहता था सींगों पर, कईयों को अड्डी मारकर मारना चाहता था। प्रसंग पूर्ववत संदर्भ, यहाँ कविवर अपने साथी आदमी की तुलना बैल के साथ करते हुए बताना चाहते हैं कि उसने अपनी जुबान खोलकर आखिर सारे सत्य को उगल दिया। अब वह यदि मानव रहता तो अपने आप का बचाव करना शायद उसके लिए मुश्किल था, इसलिए अपनी रक्षा के लिए उसने पशु बनना स्वीकार कर लिया और वह अन्य उन लोगों की सच्चाई को समाज के समक्ष ले आना चाहता था जो सच्चाई को छिपाकर समाज में श्रेष्ठ बने घूम रहे थे। कवि ने अपने मित्र की इसी मनस्थिति का उद्घाटन करते हुए लिखा है कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि वह कईयों को चरना चाहता था। यहां कविवर श्री लीलाधर जगुड़ी जी अपने उस साथी मित्र की सच को न छुपा पाने की स्थिति का उद्घाटन करते हैं कि आखिर सच समाज के सामने लाने के लिए उसने अपनी मानवता को छोड़कर पशुता को ओढ़ लिया ताकि सत्ताधारी वर्ग के दबंगाई उसका कुछ ना बिगाड़ सके, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि क्योंकि वह कईयों को चरना चाहता था कि वह बैल बनकर स्वयं को आरोपों से बचाना चाहता था और वह अन्य लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाकर अनेक लोगों को उनकी दूषित मानसिकता के कारण उजागर कर देना चाहता था, उन्हें नीचा दिखाना चाहता था, कई सवालों से बैलवानी करना चाहता था कि समाज में अनेक ऐसे प्रश्न जिनका संभवतः मानव बनकर सामना नहीं किया जा सकता था, उनके साथ वह बैल बनकर उन्हीं के तरीके से संघर्ष करना चाहता था, उन्हें खोजना चाहता था, हल करना चाहता था। कईयों के नीचे से छुड़ाकर जमीन, कईयों को गिराकर खंदकों में, खंदक खाई कि यहां कविवर कहते हैं कि ऐसे झूठे मक्कार और दोहरे चरित्र के लोग जो समाज में शक्ति संपन्न और समाज सेवक बनकर बैठे हुए हैं, वह मेरा मित्र उनके पांव के नीचे से जमीन निकालकर
उन्हें खाई में गिरा देना चाहता था। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि जो इस जमीन पर श्रेष्ठता का चोला पहनकर लोगों के मध्य उनके भावों से खेल रहे हैं, उनको सच्चाई के सामने खड़ा करने के लिए तैयार था और वह चाहता था कि वो अपने इस दोहरे चरित्र के कारण प्राप्त आसन को छोड़ें और खाई में जा गिरें, अर्थात अपने किए की सजा प्राप्त करें। कईयों को उठाना चाहता था सींगों पर कि कई लोगों को वह अपने सींगों पर लगा वह अपने सींगों पर उठाकर पटक देना चाहता था ताकि वह स्वयं जीवन के उस यथार्थ से परिचित हो जाएं जो वह लोगों के जीवन में निर्मित कर रहे हैं। कईयों को अड्डी मारकर मारना चाहता था कि बहुत सारे झूठे लोगों के जीवन में अड़ंगा लगाकर उन्हें मार देना चाहता था। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि कवि का वह मित्र अपने मन में छिपी अनेक उलझनों को, कश्मकश को, घुटन को जग जाहिर कर अन्य लोगों के दोषों को भी समाज के समक्ष लाकर अपने दोषों को ढकने की कोशिश कर रहा था। आइए बच्चों, हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करें। यहाँ कवि पर बताते हैं कि मेरा वह मित्र आखिरकार सत्य को नहीं छिपा पाए और अपने मन की घुटन को शांत करने के लिए अन्य लोगों की सच्चाई को सामने लाकर अपने दोषों को छिपाने के लिए पशु बनने को भी तैयार हो गया। वह बैल की भांति अब समाज में फैली हुई झूठ को चर जाना चाहता। जो सत्य प्रश्न बनकर इधर उधर घूम रहा था वह उन सबको चर लेना चाहता था। कई सवालों से बैलवानी करना चाहता था कि अनेक ऐसे सवाल जो शायद मानव बने बने हल नहीं हो सकते थे, जिनका सामना नहीं हो सकता था, उनका सामना करने के लिए, उनसे संघर्ष करने के लिए उसने बैल बनना स्वीकार किया। कईयों के नीचे से छुड़ाकर जमीन कईयों को गिराकर खंदकों में कि वह अपने आप को शुद्ध पवित्र सिद्ध करने के लिए, दोषमुक्त सिद्ध करने के लिए वह अनेक झूठे मक्कार ऐसे लोगों को जो झूठ के सहारे अपने दोहरे चरित्र के सहारे समाज सेवक बनकर बैठे हुए थे वह उनके नीचे से जमीन निकाल लेना चाहता था। अर्थात उनके उस आसन को छीन कर उन्हें खाइयों में गिरा देना चाहता था ताकि समाज उनकी सच्चाई से रूबरू हो, परिचित हो जाए। कईयों को उठाना चाहता था सींगों पर कि वह कई लोगों को सींगों पर उठाकर जमीन पर पटकना चाहता था ताकि उनके द्वारा निर्मित वातावरण के कारण समाज में जो घुटन है वो घुटन समाप्त हो सके और उन्हें भी अपने किए का दंड मिले। कईयों को अड्डी मारकर मारना चाहता था कि अनेकों के जीवन में अड़ंगा डालकर वह उन्हें मार देना चाहता था, उन्हें चोट पहुंचाकर उनके दोषों को जग जाहिर कर अपने दोषों को छिपाना चाहता था और अपने मन की घुटन से मुक्ति चाहता था। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि कवि के मित्र उस आदमी ने अपने आप को दोषों और आरोपों से बचाने के लिए दूसरों के दोषों को जग जाहिर करने की सोची और उन्हें हानि पहुंचाने के लिए पशुता स्वीकार कर ली। विशेष, यहाँ कवि ने अपने साथी आदमी के उस व्यवहार पर प्रकाश डाला है जिसमें उसने अपने मन की कश्मकश से मुक्ति पाने के लिए पशु बनना स्वीकार कर लिया। सरल सहज परवाहमयी खड़ी बोली है, लक्षणा परक व्यंजना शब्द शक्ति है, वीर रस ओज गुण है। यहाँ कवि ने बैलवानी करना, चरना,
अड़ंगा डालना आदि मुहावरों का बड़ा सुंदर सटीक प्रयोग किया है। मुक्तक छंद के शैली यहाँ पर उल्लेख अनुप्रास रूपक स्वभावोक्ति कारण आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग किया गया है। पद संख्या 12 वह कईयों के सामने गोबर करना चाहता था ताकि उन्हें पता चले आत्मा के क्या हाल है। असल में वह जानवर की जुबान से इस सारे धुएं को चाटना चाहता था जैसे ताजा ब्याए हुए पशु अपने बच्चों को चाटते हैं उन्हें समर्थ बनाने के लिए। प्रसंग पूर्ववत संदर्भ यहां कविवर श्री लीलाधर जगुड़ी जी उस आदमी के चरित्र का और व्यवहार का वर्णन कर रहे हैं जिसने पशु बनकर अपने मन की उलझन से मुक्ति पाने की चेष्टा की। इसी विषय पर प्रकाश डालते हुए कविवर लिखते हैं कि व्याख्या शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार। कवि बताते हैं कि उनके मित्र ने जो सच्चाई समाज के समक्ष उगल दी थी अपने आप को उन आरोपों और दोषों से बचाने के लिए मुसीबत से खुद को बचाने के लिए आखिर पशुत्व स्वीकार कर लिया पशु बनना स्वीकार कर लिया। यहाँ कवि बताते हैं कि जब वह बैल की जुबान को ओढ़कर पशु बन गया तो उसने अपने आप को बचाने के लिए अनेक लोगों के समक्ष गंदगी फैलाना चाहा ताकि सब उस गंदगी को देखकर यह जान ले कि उस आदमी की आत्मा की स्थिति क्या है उस आदमी के आत्मा का हाल क्या है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि जो आदमी गलती से अपनी जुबान खोलकर अनेक प्रश्न और सत्य को लोगों के सामने प्रकट कर चुका था अब वह अपने आप को आने वाली मुसीबत से बचाने के लिए हिंसक पशु बन चुका था। असल में वह जानवर की जुबान से इस सारे धुएं को चाटना चाहता था। कवि बताते हैं कि वास्तव में उनका मित्र उनका यह साथी आदमी पशु इसलिए बना था ताकि उसकी बातों के कारण उसके सवालों के कारण उसकी सच्चाई के कारण वातावरण में अनेक संदेह अनेक अफवाहें अनेक भ्रम फैल गए थे। अब चारों ओर उसकी आलोचना और बदनामी हो रही थी इसलिए उसने अपने द्वारा फैलाए गए इस भ्रम के धुएं को धुंध को अपनी जीभ से अर्थात अपनी वाणी से अपनी जुबान से चाटकर समाप्त करना चाहा। ठीक उसी प्रकार जैसे ताजा ब्याए हुए पशु अपने बच्चों को चाटते हैं उन्हें समर्थ बनाने के लिए कि वह अपने द्वारा फैलाए इस भ्रम को इस संदेह को इस अफवाह को इस अस्पष्टता को आलोचना को बदनामी को अपनी जुबान से चाटकर साफ कर देना चाहता था। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई ताजा ब्याया हुआ पशु अपने बच्चे को शक्तिशाली बनाने के लिए उसे साफ करने के लिए उसे सशक्त बनाने के लिए अपनी जीभ से चाटता है ठीक उसी प्रकार कवि का वह साथी भी अपने द्वारा फैलाए इस को चाटकर समाप्त कर देना चाहता था और अपने आप को आने वाली मुसीबत से बचाना चाहता था। आइए बच्चों हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं।
यहाँ कविवर बताते हैं कि उनके उस साथी ने अपने द्वारा सत्य बोलने पर उत्पन्न संकट से स्वयं को बचाने के लिए पशुता ओढ़ ली और वह अनेक ऐसे सत्यों का उद्घाटन कर देना चाहता था जिन सत्यों के नीचे उसका सत्य छिपकर रह जाए और वह उस विषम परिस्थिति से प्रतिकूल परिस्थिति से साफ बच जाए। इसलिए वह बैल जैसा व्यवहार करने को, उसके जैसा हिंसक बनने को तैयार हो गया। अब वह कई लोगों के सामने गंदगी फैला देना चाहता था, अर्थात अन्य लोगों के सत्य के कारण उसके वास्तविक चरित्र को, उनके दोहरे चरित्र को जग जाहिर कर देना चाहता था, ताकि सबको यह पता चले कि इस पीड़ा को झेलते झेलते उसकी आत्मा का क्या हाल है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि वह इस दर्द को सब जगह फैलाकर अपने आप को उस मुसीबत से साफ बचा लेना चाहता था। वास्तव में वह जानवर की जुबान को अपनाकर, बैल की वाणी को अपनाकर उस सारी धुंध, उस सारे धुएं को चाटना चाहता था जो उसने कभी गलती से सत्य बोलकर अपने लिए संदेह, अफवाहें, अस्पष्टता, भ्रम और बदनामी के रूप में निर्मित कर ली थी। अब वह अन्य लोगों के सत्यों को वहां फैलाकर इन पुरानी बातों को, पहले कही गई बातों को नए प्रश्नों के नीचे, नई उलझनों के नीचे दबा देना चाहता था और वह अपने द्वारा कहे गए सत्य को ठीक उसी प्रकार चाट जाना चाहता था जैसे कोई नया ब्याया हुआ पशु अपने बच्चे को चाटकर उसे साफ कर देता है, उसे शक्तिशाली और समर्थ बना देना चाहता है। और वह व्यक्ति अपने इस व्यवहार से अपने आप को भ्रम से, संदेह से बाहर निकालकर स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीना चाहता था। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि इस प्रकार अन्य लोगों के दोषों को उजागर करके अपने दोष खत्म नहीं होते, अतः हमें स्वयं पर नजर रखते हुए अपने आप को उस परिस्थिति से, स्थिति से बचाना चाहिए जो हमारी मनस्थिति पर भारी पड़ती है। विशेष यहाँ कवि ने अपने साथी की उस मनस्थिति का उद्घाटन किया है जो वह न बोलने योग्य सत्य का उद्घाटन कर उलझ गया था। सरल सहज परवाहमयी खड़ी बोली है, वीर रस ओज गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, मुक्तक छंद गे शैली है। यहां लक्षणा परक व्यंजना का इस्तेमाल हुआ है। पूरे पद में अनुप्रास, उदाहरण, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा है पढ़ा गया विषय आपको समझ में आया है। आप अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।